हाय फ्रेंड्स, सब लोग कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे LFT टेस्ट के बारे में। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है, उसमें लीवर के बारे में मैंने बता रखा है और लीवर से रिलेटेड जो ब्लड टेस्ट किए जाते हैं उनको मैंने बता रखा है उसमें। तो आप जा करके देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप विजिट कर लेना। यहाँ पर फिर से LFT के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा उससे अलग है। तो यहाँ पर चलो देखते हैं LFT टेस्ट क्यों कराना चाहिए या फिर डॉक्टर क्यों लिख देते हैं LFT टेस्ट। तो भैया, जब आप लोगों को कभी भूख नहीं लगती है, थकान लगती है, फीवर जैसा लगता है, पेट में दर्द होता है ना, और जी मिचलाता है, इस तरीके के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, सर दर्द होता है, तो इनकी वजह से कभी कभी पेट में दर्द भी होता है, ये सारे इस तरीके के टेस्टों के लिए तो इस तरीके के सारे चीज़ों के लिए हम ये टेस्ट कराते हैं। ठीक है, डॉक्टर लिखता भी है, जैसे आपके गाल ब्लैडर में स्टोन हो गई है ना, तो ये भी एक कारण है। तो LFT टेस्ट कराने का मेन रीज़न जो होता है, LFT कराने का जो मेन रीज़न होता है वो क्या पता करने के लिए हम डॉक्टर ये टेस्ट लिखते हैं। जैसे कि आपको जॉइंटिस हो गए, जॉइंटिस मतलब पीलिया है ना, इसके बाद गाल ब्लैडर में जैसे स्टोन हो जाती है, उसको पता करने के लिए भी ये ब्लड टेस्ट कराया जाता है, साथ ही अल्ट्रासाउंड भी कराया जाता है। हम ब्लड टेस्ट से डायग्नोस नहीं कर सकते कि इसको स्टोन है GB में। ठीक है, इसके बाद जैसे कि कोलेस्टेटिस हो जाती है, एक जिलबर्ट स्टोन सिंड्रोम होता है, गिलबर्ट सिंड्रोम है ना। इसके बाद जैसे कि हिमोलिटिक एनीमिया हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, थैलेसीमिया हो जाता है, या फिर अदर एनीमिया हो जाते हैं, सिरोसिस हो जाना, लीवर में सिरोसिस हो जाता है, और भी जैसे कि जो आपके गाल ब्लैडर के जो कॉमन बाइल डक्ट होती है वहाँ पर, या फिर उसके जो पहले के डक्ट होती हैं है ना, तो वहाँ पर जैसे कॉमन बाइल डक्ट हो जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, एक तरीके से श्रिंकेज हो जाता है, चिपक जाती है, सिकुड़ जाती है ना, तो उसको भी, या फिर बैकेज हो जाना उसमें गल क्या बोलते हैं बाइल डक्ट में। इसके बाद जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म में ये क्या नाम है टेस्ट कराया जाता है, जो लोग दारू पीते हैं, एल्कोहलिज्म करते हैं, तो उनको भी हो जाता है ना। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो जाना, अब इनके सबको मैं एक एक डिस्कस करूँगा, लेकिन ये मेरा सेपरेट वीडियो में होगा। और एक नियोनेट जो बच्चे होते हैं उनमें भी हो जाता है जॉइंटिस पीलिया, तो इसलिए टेस्ट कराना होता है LFT टेस्ट। इससे हमें बहुत सारी बीमारियों के बारे में पता चलता है, जो मैंने अभी बीमारियां बताई इनको सबकी पता चलता है। अब LFT टेस्ट जो होता है एक ग्रुप ऑफ बंच होता है, जिसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जिनमें से मैंने यहाँ पर 10 पैरामीटर्स लिख रखा है। कुछ पैथोलॉजी हो सकता है कि एक दो टेस्ट मतलब बढ़ा करके दें, तो वो मैं यहाँ पर बता दूँगा इनके नाम क्या हो सकते हैं, बाकी और ज़्यादा इससे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं LFT में बिलरुबिन, टोटल बिलरुबिन होता है, डायरेक्ट बिलरुबिन होता है, इनडायरेक्ट बिलरुबिन होता है, इनकी मैंने नॉर्मल रेंज दे रखी है। हाँ, तो इस LFT टेस्ट में देखते हैं क्या कितने टेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले आपका बिलरुबिन टोटल होता है, जिसकी रेंज नॉर्मल रेंज मैंने बता रखी है 0.2 से लेकर 1.0 ग्राम मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। इसकी वैल्यू जो है थोड़ा सा वेरी कर सकती है हर लेबोरेटरी की रिपोर्ट में, जो कि कहीं कहीं देखने को मिल सकता है 0.3 से या 0.4 से 1.2 ग्राम तक की देखने को मिल सकती है, या 1.3 ग्राम तक देखने को मिल सकती है। इसके बाद बिलरुबिन डायरेक्ट है, इसकी भी वैल्यू सेम ऐसे ही वेरी कर सकती है, लेकिन जो नॉर्मल रेंज यहाँ पर मैंने लिख रखे 0.4 से लेकर 0.0 से 4.0 तक होती है। बिलरुबिन इनडायरेक्ट जो होता है ये डिपेंड करता है, बिलरुबिन टोटल डायरेक्ट पर डिपेंड करता है, तो जिसकी वैल्यू 0.40 से लेकर के 8.0 तक होती है। इसके बाद सीरम है, सीरम ग्लूटामिक पैरविक ट्रांसमिनेज, जिसको SGPT बोला जाता है, जिसकी नॉर्मल रेंज होती है 0 से लेकर के 40 यूनिट पर लीटर होती है। इसके बाद फिर इसका दूसरा नाम होता है ALT, इसका फुल फॉर्म होता है एलेनिन ट्रांसमिनेज। ठीक है, इसके बाद फिर आता है इसके बाद SGOT, जिसको हम बोलते हैं सीरम ग्लूटामिक ऑक्सलो एस्टिक ट्रांसमिनेज, इसके जो नॉर्मल रेंज होती है 0 से लेकर 40 यूनिट पर लीटर होती है। फिर इसके बाद इसका दूसरा नाम होता है AST, एस्पायरेटेड ट्रांसमिनेज। फिर इसके बाद आता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज, जिसको ALP भी बोला जाता है शॉर्टकट में, इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 38 से लेकर के 154 यूनिट पर लीटर होती है। इसके बाद टोटल प्रोटीन, अब टोटल प्रोटीन जो होते हैं हमारे, वैसे ब्लड में आपने पढ़ा होगा 9th और 10th की क्लास से लेकर मतलब 12th तक की क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि हमारे ब्लड में
मेनली तीन तरीके की प्रोटीन पाई जाती हैं, जिसमें से कि आपके एल्बुमिन प्रोटीन होती है, ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है। बट यहाँ पर जो हम लीवर में डिस्कस करेंगे सिर्फ दो प्रोटीन्स होती हैं, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। इनको दोनों को जोड़ दें तो हमारा टोटल प्रोटीन बन जाता है। फिर इसके बाद इनका रेशियो निकाला जाता है, जिसकी नॉर्मल टोटल प्रोटीन की नॉर्मल रेंज मैंने दे रखी है यहाँ पर, 6 से लेकर के 8.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। एल्बुमिन की जो होती है 3.5 से लेकर के 5.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। इसके बाद ग्लोबुलिन जो होता है 1.5 से लेकर के 3.5 या फिर 3.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। इसका रेशियो जो मैंने लिख रखा है 1.0 से लेकर के 1.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है ना। टेस्ट फास्टिंग में कराना चाहिए या फिर किसी भी टाइम कराना चाहिए? तो मैं कहूँगा ये टेस्ट मोस्टली अगर बिलरुबिन वगैरह है, एलएफटी टेस्ट है, तो इसका आप खाना खाने के 4-5 घंटे पहले टेस्ट कराना चाहिए। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं जैसे थायराइड वगैरह की या फिर कीमोथेरेपी किसी भी तरीके की ले रहे हैं, तो आप उनको रोक लें या फिर क्या नाम है पाँच उनको जैसे 12 घंटे 13 घंटे हो गए आपके खाए हुए, तो ये टेस्ट करा सकते हैं, ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आता है इससे। बाकी आप ये डिपेंड करता है डॉक्टर किस तरीके से आपको बताते हैं, किसी भी टाइम करा सकते हैं या फिर कैसे भी करा सकते हैं, कोई वैसे खास प्रिकॉशन नहीं है, है ना। तो इस टेस्ट आगे इस लेफ्टी टेस्ट में हम बात करेंगे किसके, मैं मेनली डिस्कस करने वाला हूँ इनको तीनों को, है ना। बाकी ये टेस्ट मैं एक एक करके सब डिस्कस करूँगा आगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं इस वीडियो में केवल इतने बिलरुबिन को ही डिस्कस करूँगा। ओके, हमने लेफ्टी में देख लिया बिलरुबिन वगैरह, मैंने बताया ही आपको कि इससे पहले मेरा वीडियो बना है, उसको आप जाकर विजिट कर लेना, उस पर देख लेना, लीवर के बारे में मैंने पढ़ा रखा है। अब यहाँ पर बिलरुबिन होता क्या है उसके बारे में जानते हैं, बिलरुबिन कहाँ से बनता है, किस तरीके से बनता है, और ये जो आप लोग जान को बताया गया होगा पोस्ट हिपैटिक, प्री हिपैटिक और अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन क्या होता है, कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन क्या होता है, हिमोलिटिक बिलरुबिन क्या होता है, या जॉइंटिस क्या होता है, इसको हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वही यहाँ पर देखते हैं, जो बिलरुबिन होता है येलो कलर का जो सब्सटेंस होता है, कैसे येलो कलर का, और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। अगर इसको हमारे शरीर से अगर बाहर ना निकला जाए तो हमारे लिए जानलेवा हो सकता है, ठीक है। और ये क्या होता है, वाटर में इनसॉल्वल होता है, जिसको सॉल्वल करने के लिए हमें लिपिड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है सॉल्वल इन लिपिड। फिर इसके बाद इसको किस लीवर में इसको जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है, किस में, बाइल जूस में। इट केज कन्वर्ट इन बाइल जूस इन लीवर, लीवर में इसको क्या कि किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बाइल जूस में। इसके बाद ये कहाँ पर बनता है, तो इसको ये बनता हमारा स्प्लीन में है, ठीक है। ये हमारा कहाँ पर बनता है, स्प्लीन में, और कितने परसेंट बनता है स्प्लीन में, 85% स्प्लीन में बनता है, और कितना 15% हमारा कहाँ, यानी 15% हमारा बोन मैरो में बनता है। समझ में आई बात, ये जो होता है 85% हमारा स्प्लीन में बनता है, और इसके बाद 15% बोन मैरो बनता है, 1-2% और भी कहीं से बन सकता है, जब आप कहीं बीमार बीमार हो जाते हैं तो उस टाइम में फीवर वगैरह ज़्यादा हो जाता है तो ऐसा हो जाता है। अब ये ज़्यादा किसके ज़्यादा वजह से बनता है, आरबीसी के ब्रेक डाउन होने की वजह से बनता है। एक आपको पता होगा कि आरबीसी, जैसे ये आपकी आरबीसी है, और ये आरबीसी आपकी कितने 120 दिन की इसकी जो है लाइफ स्पैन होती है, लाइफ स्पैन इसकी कितनी होती है, 120 दिन, ठीक है, लाइफ स्पैन सॉरी 120 दिन की होती है। अब जब ये एक आरबीसी है अगर इस तरीके से ब्रेक डाउन होती है तो ये आपका क्या क्या निकालती है, ये आपका निकालती है विटामिन B12, ठीक है, इसके बाद आयरन निकालती है, ठीक है, और इसके बाद फिर क्या निकालती है, आयरन के बाद यहाँ पर प्रोटीन निकालती है। प्रोटीन कौन से निकालती है, तो ग्लोबिन प्रोटीन निकालती है। कौन सी प्रोटीन, ग्लोबिन, ग्लोब्यूलिन, ठीक है, या ग्लोबिन प्रोटीन निकालती है। और क्या साथ में निकालता है, कोई बताएगा, फोलिक एसिड, ठीक है, सॉरी फोलिक एसिड, ये चार पदार्थ निकालता है। अब ये जो चार पदार्थ निकालते हैं, इन चार पदार्थ में आपका जो ग्लोबिन होता है, ठीक है, इसी से हमारा लेना देना है आगे, यहाँ पर हम देखते हैं ना कैसे। तो चलो मैं इसको रफ कर दूँ। देखो यार, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है स्प्लीन का, ठीक है। अब ये स्प्लीन में पहले इसको समझो कि इस तरीके से क्या होता है। ये स्प्लीन है, इसके बाद ये आपका जो ब्लू कलर वाली है ये वेन है, और मैंने ब्लैक से इसकी आर्टरी बना रखा है। जब इसमें स्प्लीन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, कौन सा ब्लड, यानी जब HB में
हीमोग्लोबिन है ठीक है, एचबी में क्या जोड़ दें, O2 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। ये कौन सा ब्लड हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। ये किसके जरिए से जाएगा, यहाँ से जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर जब जाता है तो यहाँ पर जो RBC, अब यहाँ पर से ध्यान देना है, जो RBC BC है, अभी अगर 120 दिन की हो गई है, इतने 120 दिन की फिर भी ऑक्सीजन लेकर के जा रही है, इसको यहाँ पर क्या करेगा, ट्रैप कर लेगा। अगर इमेच्योर RBC है, कैसे, जैसे ये ऐसे करके इमेच्योर RBC है ठीक है, इमेच्योर RBC, तो इसको भी यहाँ पर क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। अगर कोई क्या नाम है RBC, जैसे प्रोमाइलोसाइट होती है, अदर कोई होती हैं ठीक है, जैसे कोई RBC मतलब बनी नहीं है, NRBC होती है। NRBC का मतलब जैसे ये है कि RBC यहाँ पर ऐसे करके इसके अंदर न्यूक्लियस होता है ठीक है, ये क्या होता है न्यूक्लियस, तो ये क्या होती है INRBC इसको बोला जाता है। इसको भी यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, कभी कभी ट्रैप कर लिया जाता है, कभी कभी ये नहीं ट्रैप हो पाती तो हमारे ब्लड में चल रही होती, तब ये कभी कभी हमको देखने को मिल जाती है ब्लड में हमारे ठीक है। तो यहाँ पर ये जब ये RBC आती हैं तो यहाँ पर क्या इनको पकड़ लिया जाता है, और इन्हीं RBC को जो है ना यहाँ पर देखो मैंने बना रखा है कि ये किस तरीके का RBC है। यहाँ पर ये जो एक बना रखी मैंने नॉर्मल RBC बना रखी है ठीक है, इसके बाद ये वाली जो RBC मैंने यहाँ पर बता रखा है कि 120 डेज कम्प्लीटेड हो गई है ये ठीक। इसके बाद ये वाली जो RBC है बहुत ज़्यादा बड़ी है, नहीं मतलब ये सही तरीके से अभी कम्प्लीटेड नहीं बनी नहीं है, तो ये क्या करता है ये मेच्योर RBC इसको दे देते हैं। इसके बाद एक RBC मैंने यहाँ पर बता रखा है कि ब्रेक डाउन हो गई है यहाँ पर स्प्लीन में, क्योंकि ये जो ट्रैबिकुला क्या नाम है स्प्लीन के अंदर एक सेल्स होती हैं, यहाँ पर और भी सेल्स होती हैं जो हमारी ये वाली सेल हैं, ये इंडोथीलियल से रेटिकुलो इंडोथीलियल सेल्स होती हैं। यहाँ पर कौन सी सेल्स होती हैं स्प्लीन के अंदर, रेटिकुलो इंडोथीलियल सेल्स। ये जो रेटिकुलो इंडोथीलियल सेल्स होती हैं इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है, जो जितनी RBC होती हैं, अगर ख़राब RBC आ रही हैं, एक 120 डेज यानी 120 दिन की RBC कम्प्लीटेड हो गई या होने वाली हैं, तो ऐसे RBC को ये पकड़ लेता है। कौन सा पकड़ लेता है, रेटिकुलो इंडोथीलियल सेल्स। यहाँ पर ये मैं बोलूँ कि क्या रहेगा, रेटिकुलो रेटिकुलो इंडोथीलियल सेल्स ठीक है, रेटिकुलो इंडोथीलियल सेल्स ये जो होती हैं RBC को पकड़ लेती हैं। यानी अब अगर ख़राब RBC होगी, 120 दिन की हो गई होगी, तो उसको ये क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करा देती हैं उसका RBC का, क्या करा देंगे ब्रेक डाउन, कि भैया जाओ अब तुम ब्रेक डाउन हो जाओ, और तुम्हारे उससे क्या निकलेगा, अब ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये इससे क्या निकालेंगे यहाँ पर से, फोलिक एसिड प्रोटीन, प्रोटीन में कौन सी, ग्लोबुलिन प्रोटीन है, इसके बाद आयरन और विटामिन B12। अब ये जो क्या नाम है इस तरीके के चार चीज़ें रिलीज करते हैं, लेकिन ये जो ग्लोबिन होता है यहाँ पर, ये क्या नाम है ग्लोबिन, ये किस में अभी कंबाइंड रहता है, ये इसमें कंबाइंड रहता है ठीक है। यानी एक जब RBC रैप्चर्ड होती है, ये मैं बोलूँ कि ये RBC है आपकी, ये अगर ब्रेक डाउन होती है RBC एक, तो किस में ब्रेक डाउन होती है, पहले ये हीम दो पदार्थों में कन्वर्ट होती है या ब्रेक डाउन होती है, हीम प्लस किसमें, ग्लोबिन में ठीक है, ग्लोबिन में। अभी जो हीम और ग्लोबिन होता है ये इसमें क्या होता है, आयरन कंटेनिंग होता है ये ठीक है, Fe, अभी ये Fe2+ होता है। यहाँ पर ये जो ग्लोबिन होता है, ग्लोबिन से अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर ये फोलिक एसिड हो जाएगा आपका, और प्रोटीन हो जाती हैं, तो हमें इससे लेना देना नहीं है इस बिलरुबिन के केस में ठीक है। हमें किससे मतलब है, ये हीम से मतलब है, इससे मतलब है, जिससे हमारा क्या बनता है, बिलरुबिन बनता है, जिससे हमें क्या हो जाता है, जॉइंडिस हो जाता है ठीक है, मैटर समझ में आ गया। अब ये अभी अगर ये RBC इस तरीके से ब्रेक डाउन हो रही है, ऐसा आकर के यहाँ पर ऐसे पता चल गया कि हमारी RBC किस तरीके से ब्रेक डाउन होती है। इनमें से स्प्लीन में कुछ और सेल्स और भी होती हैं, और वो सेल का क्या नाम होता है, माइक्रोफेजेस होती हैं, और एक बोन मैरो होता है, ऐसे करके बोन मैरो होता है ठीक है, यहाँ पर एक बोन मैरो ऐसे करके होता है। और यहाँ पर जो मतलब मान के चलो क्या बनती है हमारी RBC जैसे बन रही है यहाँ पर, ये यहाँ पर बहुत सारी ये स्टेम सेल्स है ठीक है, ये कौन सी स्टेम सेल है, अब यहाँ पर ये RBC, लेकिन यहाँ पर कुछ माइक्रोफेजेस होती हैं ऐसे करके बड़ी बड़ी, ये कौन सी सेल्स होती हैं, माइक्रोफेजेस, जो माइक्रोफेजेस होती हैं ये क्या काम करती हैं, बोन मैरो में, ये भी जो ख़राब RBC यानी इमेच्योर RBC बन जाती हैं ठीक है, कौन सी, इमेच्योर RBC। अगर ये इमेच्योर RBC बन जाती हैं तो इनका क्या करता है, ये माइक्रोफेज इनको पकड़ करके क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है इनको, यानी ब्लड में जाने ही नहीं देता। अगर ये इस तरीके का चले जाते हैं तो क्या होगा,
हमारा ब्लड जो है थोड़ा सा कम सही दिखेगा, है ना। जैसे एक समाज में होता है कि कहते हैं कि जिनका क्या बोलते हैं, पागल टाइप के होते हैं ज़्यादा, मतलब कहते हैं ऊंचे दिमाग का है, तो ऐसे लोगों की शादी ही नहीं करते हैं। कहते हैं अगर ऐसे लोगों की शादी कराएंगे तो भैया इनके लड़के बच्चे भी गूंगे, बहरे पैदा होंगे, ऊंचे दिमाग के पैदा होंगे, है ना। तो ये होता है, तो क्या नाम है, जब ऐसा ही होता है इस केस में भी कि RBC हमारे ब्लड में जाने ही नहीं देते हैं, माइक्रोफेजेस वगैरह, ठीक है। अगर बहुत रेयर केस में मतलब चले भी जाते हैं तो इनको क्या करता है, ये हमारा स्प्लीन ट्रैप कर लेता है। अगर ये नहीं ट्रैप कर पाता है तो फिर वो चलते रहता है। और कभी कभी इस केस में क्या होता है कि आपका ये RBC हमको कहाँ, जब आप पेरीफेरल ब्लड स्मीयर टेस्ट कराते हैं, यानी GBP टेस्ट जब कराते हैं, तब वहाँ पर जनरल ब्लड पिक्चर टेस्ट में ये दिखने को मिल जाता है। कभी कभी न्यूक्लिएटेड RBC मिल जाती है, यानी अब RBC में न्यूक्लियस वैसे पाया नहीं जाता है, तो न्यूक्लियस जब नहीं पाया जाता तो उसमें RBC में किस जब बन रही होती है तो उस टाइम में न्यूक्लियस होता है। जब RBC बनकर कंप्लीट हो जाती है तो उससे RBC से न्यूक्लियस निकल जाता है, ठीक है। तो वो कभी कभी आ जाती हैं RBC। ऐसा केस कब होता है, जब किसी व्यक्ति को थैलेसीमिया हो, किसी को सिकल सेल एनीमिया हो, किसी का मतलब ट्रामा हो गया हो या इंजरी हो गई हो, उस कंडीशन में ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया हो, तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है बोन मैरो में कि ज़्यादा तेजी के साथ ब्लड बनाया जाए। तब उस कंडीशन में जैसे तैसे RBC बनती तो सब जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, काम करो जा करके अपना, ऐसा केस होता है। ये चीज़ समझ में आ गई। अभी देखो, अभी इतना अगर ये समझ में आ गया है तो इसमें को पूरे को मैं क्या बोलूँगा मिला करके, हीमोलिटिक जॉइंटिस या फिर बिलरुबिन बोलेंगे, ठीक है। अभी तक देखो भैया ये क्या है, अभी ये क्या नाम है, जितना प्रोसेस मैंने बताया, अभी ये लीवर में गया नहीं गया, अभी ये क्या है, लीवर के बाहर ही सब पूरी प्रोसेस चल रही है। ये क्या नाम, RBC वगैरह जहाँ पर ब्रेकडाउन हो रही है, कहाँ पर स्प्लीन में और कहाँ पर बोन मैरो में ब्रेकडाउन हो रही हैं, मैंने बता ही रखा है। जो ये क्या नाम है, यहाँ पर ये कितना, ये वाला कितना परसेंट बनाता है, 85% बना स्प्लीन, जो 85% क्या बनाता है, बिलरुबिन बनाता है, ठीक है। और जो हमारे स्टेम बोन मैरो वाला होता है ये, ठीक है, ये क्या है, बोन मैरो का है, ठीक है। ये कितना परसेंट बनाता है, 15% बनाता है, यानी 15%। अब इसको क्या नाम है, हीमोलिटिक बिलरुबिन बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको जॉइंटिस बोलते हैं, या इसको एक नाम और क्या देते हैं, अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन, ठीक है। इसका एक नाम और देते हैं, क्या नाम देते हैं मालूम है, प्रीहिपैटिक। अब प्रीहिपैटिक का मतलब ये होता है कि लीवर के पहले जो बिलरुबिन बन रहा होता है वो क्या कहलाता है, आपका बिलरुबिन कहलाता है। अब जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि, ये समझ में आ गया था, चलो, जैसे कि आपने देखा होगा कि इनडायरेक्ट की जो नॉर्मल रेंज होती है वो कितनी होती है, या 0.80 तक के होती है, ठीक है, यानी इतनी होती है। अभी अगर इसका अगर एक से मतलब 8 से बढ़कर के आ रहा है, यानी जैसे 1.0 हो जाए इनडायरेक्ट, तो इसका क्या मतलब है, इसे हम यही पता कर सकते हैं कि हमारे शरीर में कोई दूसरा ऑर्गन इफेक्टेड है जबकि लीवर नहीं, बिलरुबिन से पता कर सकते हैं। जैसे कि स्प्लीन हो सकता है, और क्या नाम, इंटेस्टाइन हो सकती है, ठीक है, पैनक्रियाज भी हो सकता है, क्या कभी कभी पैनक्रियाज और क्या बोलते हैं आपका इंटेस्टाइन भी होते हैं, इनसे भी कुछ RBCs वगैरह होती हैं ब्रेकडाउन होकर ही जाती हैं, या फिर इनमें मतलब कभी कभी हाई ग्रेड का फीवर हो जाने की वजह से ये सारे अंग अफेक्टेड होते हैं, तो उस कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है। जैसे कि पैनक्रियाज में सूजन हो जाती है, तब तो स्प्लीन हमारा इसका भी साइज कभी कभी कम हो जाता है ना, तो इस कंडीशन में यहाँ पर भी मतलब इफेक्ट पड़ेगा। तो ये इसका जो क्या नाम, माइक्रोफेजेस है, एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाती हैं। अगर ये क्या नाम, मान के चलो, एक से ऊपर अगर जा रहा है इनडायरेक्ट, तो इसका मतलब यही होगा कि प्रीहिपैटिक है, यानी जो लीवर अभी इफेक्टेड नहीं है, ये है। इसको अनकॉन्जुगेटेड भी बिलरुबिन बोला जाता है इनडायरेक्ट को, और इसको हीमोलिटिक बिलरुबिन भी बोला जाता है। ये क्या है, ज्वाइंटिस है, ठीक है, अभी लीवर इफेक्टेड नहीं है। हाँ, तो देखो हुआ क्या, ये मैंने जो बताया कि RBC कहाँ पर जाकर के किस तरीके से ब्रेकडाउन होती हैं, उनसे क्या होता है, ये मैंने बता ही दिया। अब ये देखो, जैसे RBC ब्रेकडाउन हुई, तो अभी RBC ब्रेकडाउन होने के बाद एक रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन में क्या होता है,
जब आरबीसी ब्रेकडाउन होने के बाद क्या होता है, आरबीसी से कंपोनेंट अलग होते हैं वो कौन, दो मैंने बताया कि एक हीम में अलग होता है, ग्लोबिन में अलग होता है, ग्लोबिन में अलग होता है सॉरी। अब जब ये ग्लोबिन में अलग होता है, हीम में अलग होता है, तो हीम में क्या होता है, हीम से ग्लोबिन से मैं इसको कट कर दें तो ये क्या नाम है, हमें किससे मतलब रह जाएगा, केवल हीम से। अब हीम में क्या होता है, हीम में आकर के एक एंजाइम ऐड होता है, हीम ऑक्सीजिनेज एंजाइम ऐड होता है, जिसकी वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बिलिरुबिन में। वहीं पर एक साथ ही साथ एक एंजाइम और ऐड होता है, एनएडीपीएच, ठीक है, एनएडीपीएच, जिस जो क्या नाम है, ऑक्सीजन की हेल्प से क्या करता है, आयरन को सेपरेट करता है, और आयरन को मतलब सेपरेट करने के बाद उसको क्या करता है, फेरेटिन में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये बिलिरुबिन जो है क्या करता है, फिर से क्या नाम है, इसमें एक एंजाइम आकर के ऐड होता है, एंजाइम आने के ऐड होने के बाद क्या, कौन सा एंजाइम ऐड होता है, बिलिरुबिन रिडक्टेज, बिलिरुबिन रिडक्टेज। जब बिलिरुबिन रिडक्टेज ऐड होता है तो फिर ये क्या, इसमें एक चीज़ और होती है कि NADPH प्लस एच आई एन भी एक मतलब हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल इसमें लिया जाता है, जिसकी वजह से एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है, बिलिरुबिन बन जाता है। तो ये बिलिरुबिन अब कैसे मैनेज होगा, अब ये देखो ये बिलिरुबिन कहाँ पर बना, हमारे स्प्लीन में। अब जब स्प्लीन में बना, इसके बाद यहाँ पर लीवर हमारा होता है, अब ये सीधा कहाँ जाएगा, ये लीवर में जाएगा। कैसे लीवर में जाएगा, यहाँ से मान के चलो, यहाँ से ये जा रहा है, ये बिलिरुबिन जो है लीवर कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, ये जो बना है ये वाला बिलिरुबिन, मैं यहाँ पर इसको लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर मैं लिख कर दे रहा हूँ। और ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर मान के चलो, कहाँ, किसके ज़रिए से, ये हम जो बता रहे हैं ये कौन सा रास्ता है भाई, ये जो हमारा है हिपैटिक पोर्टल वेन। भाई देखो, जब तीन वेन साथ में आकर के मिलती हैं तो उसे पोर्टल वेन बोला जाता है। कौन सी, हमारे एक स्प्लीन की हो जाएगी, हमारे किसकी हो जाएगी, पेनक्रियाज की हो जाएगी, और एक इंटेस्टाइन की हो जाएगी। कितनी वेन हो गई, तीन। जब तीन वेन जा करके लीवर को ब्लड देती हैं तो ये क्या बोला जाता है, हिपैटिक। अब क्योंकि लीवर को ब्लड दे रही है, लीवर को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, हिपैटिक, इसलिए इसको क्या बोला जाए कि था हिपैटिक पोर्टल वेन। पोर्टल का मतलब बहुत जगह से, पॉली है ना, तो पॉली का मतलब ये होता है कि बहुत जगह से ब्लड लेना, तो ये तीन चार जगह से ब्लड ले रहा होता है, कहाँ से, स्प्लीन से, इंटेस्टाइन से, पेनक्रियाज से, और हो सकता है कि ये उससे स्टमक से भी ले, लेकिन स्टमक वगैरह से इतना नहीं, क्योंकि स्टमक आगे आकर के कहाँ खुलता है, हमारे ड्यूडिनम में। ये हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा, ड्यूडिनम का पार्ट हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये इस तरीके से लीवर में जाता है। अब ये लीवर जो है, अब ये जो बिलरूबिन है ये वाला कौन सा, ये अनकॉन्जुगेटेड बिलरूबिन है, ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड बिलरूबिन है, प्री हिपैटिक बिलरूबिन है, ठीक है। कौन सी है, प्री हिपैटिक बिलरूबिन, ठीक है। और ये कौन सी है, एक अनकॉन्जुगेटेड प्री हिपैटिक, और एक नाम इसका बोला जाता है, मैंने बताया था ना, हीमोलिटिक, हीमोलिटिक, ठीक है, बिलरूबिन है ये, या फिर इनको और क्या बोलते हैं, ज्वाइंटिस बोला जाता है। तो ये जब ज्वाइंटिस हो रही है, क्या नाम है, ये क्या होता है, इस तरीके से होता है, ये क्या बिलरूबिन क्या होता है, टॉक्सिक होता है। अब इस टॉक्सिक बिलरूबिन को क्या करेगा, लीवर में पहुंचाया जाएगा। लीवर में क्या होता है, यहाँ पर ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं, कौन सी सेल्स, ऑक्जेंटिक या फिर साइनोसॉइड सेल्स होती हैं, ठीक है, जो लीवर क्या करेगा, इस सेल्स को, यानी ये क्या नाम है, जो बिलरूबिन बना है, अब इसको क्या करेगा, लीवर ऑक्जेंटिक सेल की मदद से, या फिर क्या नाम है, जो आपके साइनोसॉइड सेल्स होती हैं, ठीक है, इसमें और भी मतलब बाइल कैनवली भी होती हैं, ठीक है, बाइल कैनवली में पहुंचने के बाद जो है उसको क्या कर किया जाता है, बिलरूबिन को बाइल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बाइल जूस में, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर ये इतना समझ में आ गया हो तो बता दो, मैं आगे बढ़ जाऊं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहता है कोई तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, ले लिया, चलो देखते हैं। देखो भैया, अब जब ये लीवर में यहाँ पर पहुँच गया तो यहाँ पर क्या होती हैं, साइनोसॉइड सेल्स होती हैं, और कौन सी सेल्स होती हैं, बिल बाइल कैनवली सेल्स होती हैं, ठीक है, कैनवला या कैनवली सेल्स होती हैं, इनमें जाकर के जो हमारा बिलरुबिन होता है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बाइल जूस में,
अब ये जो बाइल जूस में कन्वर्ट हो जाता है, अब ये क्या हो जाता है, लेस टॉक्सिक हो जाता है। मतलब कि ये लेस टॉक्सिक क्या मतलब टॉक्सिक नहीं रहता है, नॉन टॉक्सिक हो जाता है एक तरीके से, क्या बोलते हैं, नॉन टॉक्सिक, ठीक है। और ये क्या करता है, लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करता है, लिपिड डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। लिपिड के, लिपिड में क्या होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल हो जाता है ना, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड हो जाता है आदि में, ठीक है। तो ये समझ लो इस तरीके से होता है। अब जब ये यहाँ पर आ जाता है बिल में, तो लीवर इसको क्या करता है, बाइल जूस में कन्वर्ट करता है। अब ये क्या हो जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे, अनकंजुगेटेड, यानी अब लीवर में मान के चलो पहुँच गया है बिलरुबिन, ये क्या है, यहाँ पर बिलरुबिन पहुँच गया है, ये किस में कन्वर्ट हो गया है, बाइल जूस में, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अनकंजुगेटेड हो गया, अनकंजु गेटेड हो गया बिलरुबिन, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, जब लीवर इसको मतलब नॉर्मली मेंटेन कर ले रहा है, तो इसको हिपैटिक बिलरुबिन भी बोल सकते हैं, ठीक है, हिपैटिक बिलरुबिन। हिपैटिक बिलरुबिन बोलते हैं। इसके बाद जो है ये इतना हुआ हिपैटिक बिलरुबिन, हिपैटिक बिलरुबिन के बाद इसका और क्या है? ये इतना मतलब हो जाता है। अब कभी किसी कारण के वजह, जैसे कि आपका क्या हो, हेपेटाइटिस ए वायरस या फिर बी वायरस, ठीक है, इनके केस में क्या होता है, सीबी होता है, इन केस में क्या होता है, ज्वाइंटिस हो जाती है, मतलब पीलिया हो जाता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको देखने को बड़ा देखने को मिल जाएगा। अगर डायरेक्ट नहीं बड़ा देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब है आपकी लीवर की पहले की पीलिया है, ज्वाइंटिस है, जो कि लीवर में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मतलब लीवर में कोई दिक्कत है, यहाँ पर ये बढ़ने देखने को मिल सकता है। जरूरी नहीं कि हेपेटाइटिस ए वायरस और बी वायरस की वजह से या सी वायरस की वजह से ही यहाँ पर हमारे डायरेक्ट बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। और भी हो सकते हैं, लीवर सिरोसिस हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है, लीवर के अंदर भी डिसीज हो जाती है, जैसे गिल्सन डिसीज हो जाती है, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि ये इस तरह की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं, बिल ज्वाइंटिस बढ़ सकता है, पीलिया आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आपका बिलरुबिन डायरेक्ट बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको पोस्ट हिपैटिक बिलरुबिन है, ठीक है, पोस्ट हिपैटिक ज्वाइंटिस है। कौन सी, पोस्ट हिपैटिक ज्वाइंटिस, समझ में आएगा क्या बात, यानी जब लीवर के क्या नाम है, लीवर मैनेज नहीं कर पा रहा होता, तब इसको हम पोस्ट हिपैटिक ज्वाइंटिस बोलते हैं। अब ये कहाँ और देखने को मिल सकती है, आपका अगर जीबी में स्टोन हो, गाल ब्लैडर में स्टोन हो, वो उस केस में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। और कभी कभी होता है कि पित्त के थैले में कैंसर हो जाना है, फिर लीवर में कैंसर हो जाना, देखो जनरली लीवर में कैंसर हो जाता है तो उसकी वजह से नहीं होता, लेकिन उस कैंसर की वजह से जो है ना, आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत तेज़ी के साथ होने लगता है, जिस वजह से ज्वाइंटिस बढ़ना हुआ देखने को मिल सकता है। और भी बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे एक डेंगू केस होता है, डेंगू के केस में भी बहुत तेज़ी के साथ आरबीसी ब्रेकडाउन होती हैं, तो आरबीसी जब ब्रेकडाउन होती हैं, उसकी वजह से भी हमें ज्वाइंटिस देखने को मिल सकता है। बहुत सारे लोगों को जो है ज्वाइंटिस बढ़ा हुआ या पीलिया जो है ना हो जाता है डेंगू के केस में, तभी तो उसको कभी कभी हिपैटोमिगैली भी बोला जाता है। डेंगू के केस में अगर 5-6 दिन का हो गया, अगर किसी पेशेंट का वो कराया जाए क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड, तो उसमें आपको हिपैटोमिगैली देखने को मिल सकता है, यानी ये स्प्लीन का साइज बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। क्यों, क्योंकि आरबीसी मतलब इसको बहुत ज़्यादा रैप्चर करना पड़ता है, ब्रेक डाउन करना पड़ता है, इतना ज़्यादा कि खुद ही नहीं मैनेज कर पाता, इतना ज़्यादा इसके पास बिलरुबिन बनना शुरू हो जाता है। अब ये आगे चलते हैं कि देखते हैं कि और कहाँ कहाँ कंडीशन में देखने को हमें मिलता है, ठीक है। मैं इसको रफ कर दूं, सबको समझ में आ गया, अगर ना किसी को समझ में आया तो बता देना। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि हमारा लीवर है, लीवर में अगर बिलरुबिन नहीं पहुँच पा रहा है, तो इसका मतलब यही होता है कि आपको ज्वाइंटिस नहीं है, और लीवर के पहले पहले अगर आपको पीलिया है, यानी इनडायरेक्ट बढ़ा हुआ आपका आ रहा है, आप बिल क्या नाम है, लीवर एलएफटी फंक्शन टेस्ट देखेंगे, यानी लीवर फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट देखेंगे, वहाँ पर आपको इनडायरेक्ट अगर बिलरुबिन बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, तो इसका मतलब यही है, सीधी सीधी बात है कि आपके लीवर में कोई इफेक्शन नहीं है, बस अगर वो कोई बढ़ा हुआ है, तो वो कहाँ पर बढ़ा हुआ है, आपके लीवर मतलब पहले है उसके, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर बताना भूल गया हूँ, हाँ तो देखो मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, वो क्या बताना भूल गया था, जब लीवर में पहुँच जाता है, यहाँ पर कौन सी बाइल कैनुली होती है, बाइल कैनुली में क्या होता है, एक एंजाइम आकर के मिलता है, जिसका नाम होता है यूडीपी ग्लूकोरोसिल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम क्या करता है, बिलरुबिन को बाइल जूस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब ये जब बाइल जूस में कन्वर्ट हो जाता है, तो मैंने बता ही रखा है कि लिपिड सोल्वल होता है, और ये क्या बोल सॉरी
वाटर सोलबल होता है, और ये क्या करता है, हमारा जो बायो लिपिड वगैरह होता है उनको डाइजेस्ट करता है, यानी उनको मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है उनके, ठीक है, किसके लिपिड के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है बाइल जूस। और ये एक साथ ही साथ ये कहाँ पर ये स्टोर हो जाता है, कहाँ पर आकर के, ये गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है आकर के, ठीक है, स्टोर इन गाल ब्लैडर, ठीक है, गाल ब्लैडर में आकर स्टोर हो जाता है। अब ये क्या होता है, ये जो है अगर ये ज़्यादा देर तक स्टोर रहता है गाल ब्लैडर में, ठीक है, तो ये क्या काज कर सकता है, ये स्टोन कॉज कर सकता है, कहाँ पर, गॉल ब्लैडर में ही, ठीक है। तो इसलिए ये भी थोड़ा सा खतरनाक है, बिलरुबिन भी खतरनाक है, लेकिन ये बिलरुबिन से कम खतरनाक है ना, ये यहाँ पर ज़्यादा होता है। ऐसा केस उनके लोगों के उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है, इनके जो एल्कोहलिज्म होते हैं या फिर क्या नाम है, जो ज़्यादा चाय वगैरह पीते हैं तो उनके केस में होता है। अच्छा कुछ लोग होते हैं ना जैसे कि मतलब पेट दर्द वगैरह कर रहा होता, तो उस टाइम में फिर बोलते हैं कि यार, या फिर कोई दिक्कत होती है पेट से रिलेटेड, तो कुछ लोग कहते हैं तुम भाई एक काम किया करो, क्या काम किया करो उनसे पूछो, तो कहते हैं कि एक ठंडी बियर की बोतल लो और इसके बाद उसको जो है ना लगा लिया करो सुबह शाम, बस ज़्यादा नहीं, एक ठंडी बोतल मारो बियर की, ऐसे बोलते हैं ना। तो उनको ससुरों को बता देना कि क्या नाम है, ऐसा नहीं होता कि ठंडी बियर की बोतल पीने से ही ये पेट की प्रॉब्लम या फिर जॉइंटिस वगैरह कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। बियर वगैरह आप कोई चीज़ पहली बार ले रहे हो तो आपके क्या नाम है, बहुत सारी चीज़ें जो आपके शरीर में ऐसा कोई सब्सटेंस पहुंच जाता है जिसको हमारा शरीर कभी जानता ही नहीं है, तो उस सब्सटेंस को हम कहाँ पर भेजा जाता है, लीवर में भेजा जाता है। और याद रखो लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, हर एक चीज़ यानी जो आप जितनी दवाइयाँ खा रहे हैं, दवाइयों में क्या चीज़ है क्या नहीं है, उसको भी क्या करता है लीवर पहले आइडेंटिफाई करता है कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक तो नहीं है, हमारे शरीर के लिए यूजफुल है कि नहीं है। अगर आप कोई चीज़ मतलब कोई उस तरह के कभी नहीं देखी हुई, कभी उसको खाया नहीं है, उस तरह की भी चीज़ें खा लेते हैं, तो उसको सबसे पहले लीवर ही क्या नाम है आइडेंटिफाई करेगा कि ये नुकसानदेह तो नहीं है ना। अगर आप क्या नाम है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटीनियस वाली चीज़ें ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा शुगर की मात्रा ले रहे हैं, तो सब कौन मैनेज करता है, हमारे लीवर ही तो मैनेज करता है भाई, है ना। जो क्या नाम है किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है सब लीवर ही झेलता है, हर एक तरीके की चीज़ें लीवर ही झेलता है। तो इसलिए जो है ना लीवर को क्या नाम है बहुत सेफ और सुरक्षित करके चलें। चलो आगे देखते हैं कि हम लोग ये और किस वजह से जॉइंटिस बढ़ने के रीज़न मिलते हैं। तो देखो यार ये कहाँ किन कंडीशन में बिलरुबिन हमें बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मैंने बताया यहाँ पर लिख रखा है कि यहाँ पर जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया। अब कुछ लोगों के मन में आ गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कैसे बढ़ सकता है, तो भैया किसी किसी के शरीर किसी के ब्लड एक्सेप्ट नहीं करता है, रिएक्शन करना शुरू कर देता है, तो उसके केस में क्या होगा, आरबीसी बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन होगी। और मैंने पहले भी बताया कि आरबीसी के टूटने से हमारा जॉइंटिस बनता है, पीलिया बनता है, पीलिया रोग होता है ना, कॉलीसिस्टाइटिस। कॉलीसिस्टाइटिस का मतलब ये होता है कि जो आपका गाल ब्लैडर होता है वहाँ पर गांठ पड़ जाना या फिर कोई किसी तरीके की सिस्ट हो जाना, तब भी होता है। गिलबर्ट सिंड्रोम, गिलबर्ट सिंड्रोम यानी एक तरीके की लीवर की डिसीज होती है जिसमें क्या होता है कि लीवर मैनेज नहीं कर पाता है बिलरुबिन को, ठीक है। इसके बाद हीमोलिटिक एनीमिया है, मैंने यहाँ पर बताया हीमोलिटिक के जॉइंटिस बोलते हैं, वही चीज़ है ना। इसके बाद गाल ब्लैडर में स्टोन हो जाना यहाँ पर, ठीक है, गाल ब्लैडर स्टोन हो जाना, लीवर सिरोसिस में हो सकता है, बैकेज इन बाइल डक्ट। बैकेज इन बाइल डक्ट का क्या मतलब, जैसे कि कभी आपके शरीर में वो जैसे कि आपके गाल ब्लैडर में स्टोन थी, स्टोन हो क्या हुआ कि निकल रही थी या निकल चुकी या कहीं फंस गई थी, तो जो डक्ट होती है उसमें चीरा लगा करके निकल गई, इसकी वजह से बाइल जो बैकेज हो जाता है। इसके बाद हाइपोथायरायडिज्म में, एल्कोहलिज्म में, मैंने पहले भी बोला कि कुछ लोग बोलते हैं कि दारू पियो यार, ये सब जगह एल्कोहलिज्म मिल जाएगा। कुछ लोग तो कहते हैं कि भैया अरे आ जाओ यार मज़ा आएगा, बस पहली बार तुम पी रहे हो तो कोई बात नहीं, दिक्कत मत लो, हम है ना तुम्हारे साथ में। अब पता चलता है कि क्या नाम, पिलाने के बाद जो है ना काओ खुद ही निकल जाते हैं वहाँ पर, कोई तुम लुढ़क रहे हो ढनक रहे हो क्या हो रहा है, उनका कोई लेना देना नहीं है उनका, ससुर उनका वहीं चले गए अपने घर, तो चले गए दूसरे दिन फिर तुम्हारे घर वाले कहा थे रुक जा ससुराहू दारू पिए रहो गाल है, वहीं गाली गलाउज अलग से देते हैं, तो ससुराहू ये चीज इतने के चक्कर में ना पड़ो, हमारे वीडियो देखो और क्या नाम हमारे पूरी जानकारी लो, DMLT BMLT और इसके बाद ANM GNM BSc नर्सिंग, इनके सबके वीडियो मिली हैं। तुम लोग अगर कमेंट करी हो और मोरे वीडियो का लाइक करियो, शेयर करियो, चैनल का सब्सक्राइब कराइयो, तो तुमका जितने भी इतने क्या नाम है कॉलेज नहीं जाते हो उतन की जगह में दो सब तुमका यूट्यूब में ही मिल जाई हैं, सिर्फ मोरे चैनल में, तुमका और कहीं जाके जरूरत नहीं है, इन्हें सब पढ़ा के मिल जाए, ठीक है। तो मोरे चैनल का जितना ज़्यादा ज़्यादा लाइक मतलब सब्सक्राइब करवा दो और शेयर कर दो, चैनल का वो वीडियो का लाइक कर दो, उतना और इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ाने में मज़ा आए, ठीक है।
देखो आगे डेंगू के केस में भी बढ़ जाता है ना, मलेरिया भी उसी में आ जाता है, मलेरिया में भी बढ़ जाता है। इसके बाद हेपेटाइटिस वायरसेस, मैंने यहाँ पर हेपेटाइटिस से जो वायरस होते हैं 5 तरीके के होते हैं, ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है और ई वायरस होते हैं, ठीक है। ये इस तरीके के हेपेटाइटिस वायरस होते हैं, इनका अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर नहीं बता सकते हैं। अब इस जॉन्डिस की वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। पेशेंट का क्या होता है, फीवर आवा लागत है ना, येलो आई हो जाती है या स्किन हो जाता है, ठीक है। जब पेशेंट को अगर जॉइंटिस हो गया है किसी कारणवश, तो ये देखने को मिल सकता है, येलो स्किन हो सकती है, आई भी देखने को, यानी आंखें भी उसकी पीली पीली दिखाई देंगी बेचारे की। पीलिया के केस में सर दर्द हो सकता है, नोजिया हो सकता है, यानी जैसे फील करेगा वो जी मिचलाना फील करेगा, वॉमिटिंग जैसे फील करेगा, लॉस ऑफ एपेटाइटिस, भूख मिट जाती है। इसके बाद यूरिन का कलर, यानी जो आप पेशाब करने जाते हैं तो उसका कलर जो होता है, या हो सकता है कि डार्क येलो कलर का हो जाए, या फिर येलो ही आ सकता है, और मतलब 3-4 दिन से लगातार येलो ही देखने को मिल सकता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। हम यूरिन के कलर से पता नहीं कर सकते कि हमारा हमको जॉइंटिस है कि नहीं है। कभी कभी आप दाल भी खा लेते हैं शाम को, पता चला अरहर की दाल शाम को खाया, सुबह टाइम सुसु करने के लिए गए तो वहाँ पर पता चला कि लो भैया पीला पीला निकल रहा है उसका मूत्र, तो डर गए कि पीलिया तो नहीं हो गया, ठीक है। कभी कभी फिर इसके बाद इसमें बॉडी पेन वगैरह भी होता है ना, तो ये भी होता है, पेट में भी दर्द होता है। दोस्तों एक चीज़ और रह गया था, मैं थोड़ा सा बताना भूल गया था, जैसे कि ये जब मतलब बिलरुबिन ने लीवर ने कंप्लीट क्या कर लिया, बना लिया बाइल जूस बना लिया, जब रेस्ट ऑफ बचता है बाइल, यानी बिलरुबिन कन्वर्ट होने से, बिलरुबिन जो इतना होता है वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बाइल जूस में। लेकिन जो बचता है, ठीक है, जो रेस्ट ऑफ बचता है वहाँ पर क्या होता है, वो लगभग जो है ना 80% जो होता है क्या, स्टेरिक को बिलिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि क्या होता है फीसेस के साथ निकलता है, फीकस, ठीक है, फीकस यानी मल के साथ निकल जाता है, ठीक है, यहाँ पर मल लिख दो उसमें, उसी की वजह से, इसी की वजह से स्टेरिक को बिलिन की वजह से ही स्टूल का जो कलर होता है, यानी लेटरिन का जो कलर होता है मल का, येलो होता है, किस है ना। जो बाकी 20% बचता है वो कहाँ पर जाता है, यो यूरो बिलीन ओजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, यूरो बिलीन ओजन में, जो कि किसमें, यूरिन के साथ में निकलता है, ठीक है। इसी की वजह से क्या होता है, पेशाब का जो कलर होता है येलो होता है। तो ये जो यानी जितना लीवर मैनेज कर लेता है हमारा, ठीक है, यानी जितना उसको कन्वर्ट कर पाता है किसमें, बाइल जूस में, और जितना बाइल जूस में कन्वर्ट करने के बाद बचता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्टेरिकोबिलिन में, और किसमें, फीकस में। समझ में आ गई बात, अगर ना आई हो तो मेरे को कमेंट करना, मैं फिर से इसमें वीडियो बना दूंगा, और इसके बाद जो है हाँ मैं या तो समझाने की कोशिश करूँगा कमेंट में ही। तो मेरे वीडियो को यार लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और तुम लोग जाना फालतू के डांस वाले वीडियो देखते हो, और कोई अगर मतलब उस तरीके की वीडियो बना देता है लड़कियों के उसमें कि मेरे को प्यार में छोड़ करके चली गई, धोखा दे गई, ऐसे वाले वीडियो में तुम लोग ज़्यादा ध्यान देते हो, मेरे वीडियो पर ध्यान दो जो तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करेगा, ठीक है, चलो थैंक यू।